फटाक देखिए फटाफट खबरें, डाउनलोड कीजिए तक ऐप। अघोरी साधुओं की अनोखी जिंदगी हर किसी को अचंभित करती है। अघोरी साधुओं को लेकर कई तरह की सच्ची झूठी कहानियां भी प्रचलित हैं। अगर आप भी अघोरियों के बारे में सच जानने की चाहत रखते हैं तो फिर ये खबर और ये मौका आपके लिए है। जल्द ही आपको भोजपुरी सिनेमा के जरिए अघोरियों के बारे में जानने का मौका मिलने वाला है। अघोरी साधु बन गया है भोजपुरी का ये चर्चित अभिनेता, देखकर पहचान भी नहीं पाएंगे आप। यकीन नहीं हो रहा है तो फिर ये खबर देखिए। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार तक। दरअसल भोजपुरी एक्टर यश कुमार की एक तस्वीर आजकल खूब वायरल हो रही है, जिसमें वो अघोरी साधु के भेष में नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर को देखने के बाद लोगों को लग रहा है कि क्या वाकई यश कुमार साधु बन गए हैं। आपको बता दें कि यश कुमार साधु बने तो हैं लेकिन असलियत में नहीं, बल्कि अभिनेता के तौर पर ही, यानी कि उनकी अगली फिल्म के लिए। इस फिल्म के कुछ हिस्सों की शूटिंग लखनऊ में हुई है। वायरल तस्वीर लखनऊ के सेट की है। ये भोजपुरी की वैसी पहली फिल्म होगी जिसमें अघोरी साधुओं को केंद्र बनाया गया है। फिल्म का नाम भी अघोरी ही रखा गया है। यश को इस नए रूप में देखकर भोजपुरी सिनेमा के दर्शक काफी एक्साइटेड हैं। वायरल हुआ फिल्म अघोरी के इस फोटो में देखने को मिल रहा है कि यश कुमार बड़े बड़े बाल और बड़ी बड़ी दाढ़ियों में दिख रहे हैं, नाक में नथ भी पहने हुए हैं। अघोरी का ये खतरनाक लुक यश कुमार ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी पोस्ट किया है। उन्होंने कैप्शन में लिखा है कि लुक ऑफ अघोरी समथिंग डिफरेंट कमिंग सून। यश के इस पोस्ट के बाद से लोगों का उनको भर भर कर प्यार मिल रहा है। सूत्रों से पता चला है कि इस फिल्म में अघोरी का किरदार को रियल बनाने के लिए यश कुमार कई दिनों तक अघोरी साधुओं के संपर्क में थे, उनकी जीवन शैली को काफी करीब से देख और समझ रहे थे। इसके लिए यश कुमार ने खास ट्रेनिंग भी ली है। भारतीय सिनेमा में पहली बार अघोरियों को केंद्र भूमिका में रखा गया है। अघोरी के रूप में यश को देखने के लिए उनके फैंस भी काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। अब तो ये वक्त ही बताएगा कि यश का ये अंदाज, उनका ये एक्सपेरिमेंट लोगों को कितना भाता है, उनके फैंस को ये नया एक्सपेरिमेंट कितना पसंद आता है। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें बिहार तक। बहुत शुक्रिया आपका।